हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे मम्मी हम सब बहुत अच्छे हैं और ये मेरी गुड़िया और हम लोग निकल पड़े। मैं और मम्मी और आंटी हम सब आज कहीं जा रहे थे। हमें आज टेलर के पास जाना था तो हम लोग निकल पड़े टेलर के पास। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लाउज़ दिया अपना करवा चौथ के लिए। ब्लाउज़ देने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े मामा जी के घर पे। बट हमें रास्ते में हमारे घर के पास शिव जी का मंदिर है। फिर मम्मी ने बोला चलो मंदिर थोड़ा सा वहाँ पे जाके मथे टेक लेते हैं। तो बस हम लोग गए मंदिर। हाँ, ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे सारे देवी देवता हैं और क्या। उसके बाद बस उसके बाद चले गए हम लोग मामा जी के घर। फिर रास्ते में हमें ये फूल मिल गया तो बस मैं उसको तोड़ ली। तोड़ने के बाद बस उसके बाद मैं अपने मामा जी के घर पहुँच जाती हूँ। तो मामा जी के घर के सामने एक कॉलेज है और क्या। वह कल से तो नवरात्र स्टार्ट है इसलिए मेरी मामी घर का सफाई कर रही थी और हम लोग का तो सफाई हो गया था और क्या। इसलिए पूरा मामी का घर बिखरा हुआ था, वो सफाई करने में बिल्कुल बिजी थी। मेरी मामी बोल रही थी कि मैं मैक्सी पहनी हूँ, मुझे मत दिखाओ। हम लोग ने बोली मामी चलो बैठो, थोड़ा चाय वाय पी के जाना और मुझे सुपना सूट का फिटिंग भी कराना था। तो बस मामी बोली कि आज तो घर का सफाई भी हो रहा है तो मैं कल कर दूँगी। और फिर मैं यहाँ पर मामी को फ्लावर लगा रही थी। ये मेरी मामी सूट का नाप मतलब फिटिंग ली, बोली कितना कितना फिट करना है बता दो। और ये क्या, मामा जी का ये हैंड हाथ का एक्सरसाइज करने के लिए है। उसको मैं भी चला के देख रही थी कि क्या है, मैं भी थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। फिर मेरी सिस्टर ने चाय बनाया, फिर उसके बाद हम सब मिलके चाय पीने लगे और मेरी मामी और मम्मी बात करने में बिज़ी हो गई, इधर उधर की बातें करने में बिल्कुल। बस मामी और मम्मी मिल जाती हैं तो बस उनका बात ही ख़त्म नहीं होता है। और मैं और मेरा भाई हम मामी के प्लॉट पे गए, वहाँ पे सब्जियाँ लगी हुई थी तो मैं और भाई गए सब्जी देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है। तो हमने देखा वहाँ पे लौकी, तोरई और करेले और बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई थी। वहाँ पे पीछे में एक आम का भी पेड़ था। मैं देखा वहाँ पे, देखो कितनी सारी कलियाँ आई हुई थी, पौधे में बहुत सारी कली लगी हुई थी। मैं देख रही थी कि क्या क्या किसका कैसा पौधा है, छोटी छोटी प्यारे प्यारे कली लगे हुए थे सारे सब्जियों के। उसके बाद क्या हुआ, मेरी बहन छोटी बहन स्कूल से आ गई, मामी की ये छोटी बेटी है। तो फिर बाद मामी और मम्मी बात करने में लग गई। फिर उसके बाद हम अपने घर पर बाय बाय टाटा किए। उसके बाद हम अपने घर पर पहुँच गए। फिर पता चला कि मेरी गुड़िया अभी सो रही है। फाइनली वो रो ही नहीं। हम थोड़ी देर के लिए मामी के घर पे गए तो फिर शाम का टाइम हुआ कि बगल में भैया रहते हैं, वो भैया खिलाते हैं मेरी बच्ची को। हमेशा बोलते हैं कहाँ हैं, लेकर आ जाओ इसको, देखो कितने प्यार से सबके गोद में चले जाती है, कहीं भी रोती नहीं है, ये सब के गोद में प्यार से खेलती है। उसके बाद मैं भी इसको खिलाने लगी। इतना ज़ोर से उसे चिल्ला रही थी, कितना खेल रही थी ये शाम के टाइम। ऐसे ही अपने पापा से नहीं बोलती, पापा इसको बोलते हैं बोलो बेटा बोलो तो पापा के सामने नहीं बोलती है। पापा फ़ोन से बोलते हैं बोलो बेटा तो नहीं, बस हम लोग से इधर उधर बस बहुत बात करती है। उसके बाद इसकी आवाज़ सुन के सामने में दादी रहती हैं, वो भी आ गई।
बहुत चिल्ला रही थी मैं करके दादी इससे बात करने में लग गई। बस उसके बाद हम लोग शाम में नवरात्र का सामान, कल से नवरात्र स्टार्ट है तो हम लोग नवरात्रि का सामान लेने पहुंच गए, मैं और मेरा भाई। अब वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग किए, बस मैं अपनी बेटी के लिए मैं अभी विंटर का ड्रेस देखने में लग गई, देख रही थी क्या क्या विंटर का कलेक्शन आया हुआ है। वैसे तो विशाल मेगा मार्ट में ठीक ही कलेक्शन आया हुआ था। अभी अभी तो ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही है, नॉर्मल ठंडी, मतलब बच्चों के लिए है, अभी न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, उसके बाद मैं भी अपना थोड़ा सूट देखी, पर मैंने तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत सारे सूट ऑर्डर कर दिए हैं। तो मैं अपनी सूट देख रही थी, ट्राई कर रही थी क्या वैसे सूट का कलेक्शन भी ठीक था। उसके बाद मेरे भाई को थोड़ा पेंसिल ये सब लेना था, देखना था, स्केच वगैरह देखना था, तो हमने वो भी देखा। उसके बाद हमने थोड़ा लिया स्केच वगैरह, उसके बाद हमने बिलिंग करवाई। बिलिंग कराने के बाद हम चले गए, और हमें नवरात्रि के लिए नारियल वगैरह सब लेना था, तो उसके बाद हमने सब शॉपिंग कर लिया था। उसके बाद हम लोग गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग शॉपिंग करके सारा प्रसाद वगैरह नवरात्रि का चाहिए था तो हमने ले लिया। और तो सारा कुछ मेरी मम्मी लेकर के आ गई थी, और यहाँ पे ये देवी माँ का मंदिर है तो ओके। फिर उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।